हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज। फोकस कीजिएगा गाइज अपने पर्सन की एनर्जीज पे, लेट्स सी। यहाँ सबसे पहले एनर्जी चेंज की एनर्जी मिली है, बदलाव। आपकी जो पर्सन है वो ऐसा शायद आज के दिन में ऐसा स्ट्रांगली फील कर रहे थे, अंदर से एक पुश आ रहा था इस पर्सन को कि कुछ चीजें इस पर्सन को अपने अंदर बदलने की जरूरत है। ठीक है, ये एक स्ट्रांग पुश यहाँ पर नजर आ रहा है और ये मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, काफी सारे लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं इनकी एनर्जी में मतलब कोई बाहर से इनको नहीं कह रहा है कि तुम ये करो या वो करो, इस पर्सन के अंदर से पुश आ रहा है कि ये चीज गलत है, इसको बदलो। ठीक है, एक अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर नजर आई है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने अपना जो एक मेंटेन कर रखा है, आपका जो पर्सन है वो दो तरीके से बिहेव करता है हमेशा ही। ठीक है, एक तरफ ब्लैक साइड नजर आता है, एक तरफ व्हाइट साइड नजर आता है। आपके जो पर्सन है वो दोनों ही तरीके से डील करना जानते हैं। ठीक है, मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे इंसान के साथ बैठते हैं उसके साथ वैसे डील करना जानते हैं आपका पार्टनर, मतलब जो भी इंसान जिस भी तरीके का इंसान इस व्यक्ति के सामने आएगा ये उसके साथ वैसे ही बात करता है। अगर कोई बहुत तेज और बहुत ही ज्यादा गुस्सेबाज या फिर बहुत ही घमंडी इंसान सामने बैठेगा तो उस पार्टनर आपका जो पार्टनर है वो उस व्यक्ति से वैसे बात करेगा। कोई बहुत अच्छा इंसान, बहुत सभ्य इंसान उनके साथ बैठेगा तो आपका पार्टनर उसके साथ उस तरीके से बात करेगा। यानी आपके जो पर्सन है इनको इंसान देखकर बात करनी आती है, ये पहला मैसेज आ रहा है। ओके, तो कई बार ये कुछ चीजों को फेक भी दिखा देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा इंसान होता है जब आप उसके साथ वैसे बात करना जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें फेक दिखाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक है कि आप बहुत सारी चीजों को मतलब बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि जैसा इंसान है उसको उसी तरीके से सेटिस्फाइड करना आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे एक एनर्जी इस पर्सन की मतलब एनर्जी में फील हो रही है कि बहुत कम लोग होंगे इस पर्सन की लाइफ में ऐसे जो इनसे निराश होंगे या दुखी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से निराश तो बहुत कम लोग होंगे, दुखी बहुत कम लोग होंगे। जो इस तरीके की एनर्जी वाले लोग होते हैं उनसे मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इनसे बहुत लोग निराश होंगे, क्योंकि ये सामने वाले इंसान के हिसाब से बात करना जानते हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत लोग खुश रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन के अंदर नजर आ रही है। फिर भी मुझे यहाँ पर चेंज का मैसेज मिला है, जो यहाँ पर इस पर्सन से बोला जा रहा है कि इनको बदलने की जरूरत है। कई बार मुझे लगता है कि इस चीज के चलते ये जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा कुछ चीजें गलत भी कर देते हैं, यानी कि किसी को खुश करने के लिए। ठीक है, किसी के हिसाब से जब आप बात कर रहे हो या फिर उसको खुश करने के लिए जब आप बात कर रहे हो तो कई बार आप अपना जो सच है उसको नहीं बोलते, या फिर जो दोनों बातों में से सच बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। किसी सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए आप कई बार झूठ बोल देते हो, तो ये चीजें अगर इस पर्सन के अंदर हैं तो ये चीजें इस पर्सन को बोलने मतलब इस पर्सन को मना किया जा रहा है, इस पर्सन को बोला जा रहा है कि अपने अंदर की चीजों को चेंज करें, ऐसा मैसेज यहां पर निकल कर आया है। ठीक है,
कोई अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं जी रहा है, कोई अपने ट्रू सेल्फ में नहीं जी रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है, मतलब कहने का ये है कि जैसा इंसान वैसे आपने बात कर ली, और आपने ये नहीं देखा कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अगर उसने गलत बोला तो आपने उसे खुश करने के लिए गलत को सही बोल दिया, ठीक है, और आपने अपनी जो सच बात थी वो नहीं बोली। तो ऑथेंटिक सेल्फ की यहाँ पर मैसेज आ रही है कि जो आप हैं वही दिखाइए, जैसे आप हैं वैसा दिखाइए, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों के हिसाब से उन्हें खुश करने के लिए, उनको खुश करने के हिसाब से बोलते हैं या फिर उनके खुश करने के हिसाब से चीजों को करते हैं, ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। इस पर्सन से मुझे ऐसा लगता है, इस पर्सन की एनर्जी को देखकर इस पर्सन से काफी सारे लोग खुश होंगे, ठीक है। दूसरा ये भी मैसेज मिलता है जैसे हेल्प हेल्प बहुत ज्यादा करता है आपका पार्टनर, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और अभी भी शायद बहुत सारे लोग की हेल्प कर रहे हो सकते हैं। हेल्पिंग नेचर है इस इंसान का, ठीक है, मतलब कोई भी अगर इनकी तरफ आता है और इनसे बात करने की कोशिश करता है, इनका फ्रेंड हो या फिर इनका फ्रेंड नहीं भी हो, उसके बाद भी इस पर्सन से अगर हेल्प मांगी जाएगी तो डेफिनेटली ये करेंगे। तभी मैंने कहा ना, इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज जो फील हुई है पहले ही, इस पर्सन से उदास होने वाले व्यक्ति बहुत कम होंगे, ठीक है। आपके बारे में शायद ये ऐसा कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, जैसे आपकी एनर्जी में एक चीज यहां पर फील होती है आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांग, कि आप मतलब जैसे प्योर होते हैं ना, आप प्योर हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी प्योर एनर्जी से थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आता है मुझे, ठीक है। यस ओके, यहां पर आप लोगों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई हो सकती है अभी कुछ दिन पहले, रिसेंट में, ठीक है। जैसे आप दोनों के बीच में यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि जब आप दोनों आपस में बात करते हैं, आप या आपका पार्टनर, ठीक है, तो वो कुछ चीजें जो उनके अंदर हैं वैसी ही चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जो शायद आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आप अपने आप को मतलब जैसे कहते हैं ना कि खुली किताब की तरह हो सकते हैं, कि आप अपने आप को पूरी तरीके से इस पर्सन के आगे खोल देते हैं या फिर इनको इजिली पढ़ने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीजें इस पर्सन को आपके अंदर शायद पसंद नहीं आती हैं, इस तरीके की चीजें इस पर्सन को पसंद नहीं आती हैं, या फिर इतना एक मैसेज और भी मिल रहा है शायद मुझे कि इतनी अच्छाई आपके पार्टनर को लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इतनी अच्छाई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, आज के टाइम में इतनी अच्छाई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब इंसान अच्छाई को इमोशनल उससे कनेक्ट करता है कि जो अच्छा इंसान है वो काफी इमोशनल है, तो कुल मिला के दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि इतना इमोशनल होना अच्छा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है, ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके, मुझे लगता है इस चीज पर आपकी और आपके पार्टनर की शायद आर्ग्यूमेंट हुई हो सकती है, या फिर आप दोनों ने इस तरीके से इस टॉपिक पर कुछ बात हुई हो सकती है, जहां पर आपके पार्टनर ने ऐसा बोला हो सकता है आपसे कि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, या फिर आपको प्रैक्टिकल बातें समझ में नहीं आती हैं, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चल सकती है, या फिर आप थोड़े से अलग है, कुछ ऐसा इन्होंने आपसे बोला हो सकता है अभी, ठीक है, आज के दिन में बोला हो सकता है। ओके, ये दूसरी दूसरा मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि हर बार सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपको शायद कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेते हैं, या फिर आपको क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ठीक है। एक मैसेज और मिल रहा है डियर, एक और मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप और मैं साथ में रह रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपके साथ सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी उठाने दो, ठीक है, मेरे साथ शेयर कर लो, जरूरी क्यों है आपको कि सब कुछ आपको अकेले ही करना है, ठीक है। एक यहाँ पर जो वाइब आई है मुझे इस रीडिंग में, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि होता है ना कि बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडिपेंडेंसी का ही मैसेज है बेसिकली, ठीक है, कि मैं अपना सब कुछ खुद करूंगा, मैं अपना सब कुछ खुद करूंगी। तो जैसे आपका पर्सन मतलब इरिटेट होकर ये बोल रहा हो कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ शेयर कर लो, मिलकर उठा लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं उठा लेता हूँ या उठा लेती हूँ, ठीक है, तो ऐसा जरूरी क्यों है कि सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है या अकेले ही करना है, ये कुछ मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक मैसेज, यहाँ एल लेटर है,
ठीक है, आई लेटर है, ओके okay, यहाँ पर भगवान शिव नजर आए हैं मुझे, ठीक है, उनका पूरा मतलब शिवलिंग नजर आ रहा है। ओके okay, तो आप दोनों ही स्ट्रांग डिवोटी हो सकते हैं, शिवलिंग यहाँ पर दिख रहा है, भगवान शिव। ओके okay, तो आप दोनों का कनेक्शन ब्लेस्ड हो सकता है, या फिर शिव जी आपके कनेक्शन को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसा भी मैसेज है यहाँ पे। बहुत ही क्लियर बना हुआ है ये। यहाँ 7 नंबर है, ओके यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप इस तरीके से शो करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, आप प्रटेंड कर रहे हैं इस तरीके से कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा आप दिखा रहे हो सकते हैं इस पर्सन को। जो चीज इस पर्सन को थोड़ी सी हर्ट कर रही है, ये मुझे पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी ये मैसेज मिला है कि पर्सन ये कह रहे हैं कि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों उठानी है, ठीक है, आप बांट भी तो सकते हैं, या फिर आपको सब कुछ खुद क्यों करना है, या फिर एक कनेक्शन है जहां पर ये पर्सन ये चाह रहे हैं कि सारी चीजों को आप एक तरीके से बैलेंस करें इस पर्सन के साथ, इनको आप में वो चीज नजर नहीं आ रही है, या फिर ये ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चीजों को बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं और ये पर्सन आपको आंखों से पढ़ना जानते हैं, ठीक है। यस, आप इस पर्सन के सामने आओगे तो ये आपके चेहरे को, आपकी आंखों को देखकर पढ़ लेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि ये आप कुछ भी ना बोलें तो भी ये आपको समझ सकते हैं, या आपको पढ़ सकते हैं, या आप क्या चाहते हैं ये बता सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप इस पर्सन की नजरों में खुली किताब की तरह है, ठीक है, तो ना आप इस पर्सन से झूठ बोल सकते हैं, ना ही आप इस पर्सन को दिखावा कर सकते हैं, ना ही कुछ फेक आप इस पर्सन को प्रटेंड कर सकते हैं। तो ये मैसेज दे रहे हैं कि इनको सब कुछ मालूम है, ठीक है, तो ये जिस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, आप वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आपको हमेशा अपनी क्यों चलानी होती है। यहाँ पर कोई बड़े बड़े मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज हैं जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बस ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे काम मुझे करने दो, अपने काम खुद करो, ठीक है, और सारी चीजों को मिल बांट कर लो, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों मिल कर लो, ठीक है, और एक दूसरे को इग्नोर फील नहीं कराते हैं, ठीक है, कि मैं कर रहा हूं और तुम कुछ नहीं कर, तुम कुछ लायक नहीं हो, या फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, या फिर मैं कर रहा हूं तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज अगर यहाँ पर चल रही है तो आपको पर्सन कहता है कि ये गलत है, ठीक है, ये चीज इस पर्सन को लग रही है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके, इस पर्सन का मैसेज ये भी आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो सिर्फ तुम ही खुश होते हो, सिर्फ तुम ही दुखी होते हो, मैं खुश होता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो मैं भी उतना ही दुखी होता हूँ, मैं कोई खुश नहीं हो रहा होता हूँ, या मैं खुश नहीं हो रही होती हूँ, ठीक है, जितना दुख तुम्हें होता है उतना दुख मुझे भी होता है, ठीक है, दोनों को इक्वल पेन होता है यहाँ पे। ओके, आपने इस पर्सन से ऐसा बोला हो सकता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दुख से, ठीक है, तो ये पर्सन उस चीज का जवाब दे रहे हैं आपको कि जितना आप पेन झेलते हैं उतना आप ये पर्सन भी झेलते हैं, इनको भी कोई खुशी नहीं होती है आपके साथ झगड़ा करके, या फिर आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करके, आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, ये भी यहाँ मैसेज आ रहा है। कार्ड से देखते हैं और क्या निकलता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, प्लीज गाइड मी।
आपकी डियर, क्या एनर्जी आई है यहाँ पे। टेन ऑफ वैंड्स विथ थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपकी जो कनेक्शन है इसमें बहुत तूफान अभी चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो इश्यूज नजर आए थे कैंडल वैक्स रीडिंग में, वो इश्यूज को ज्यादा बड़े इश्यूज नहीं है। आप दोनों के बीच में इश्यूज जो आ रहा है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ रहा है विद टेन ऑफ वैंड्स। दोनों ही रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ठीक है, और दोनों ही ये कहते हैं कि मैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। अच्छी बात है, दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज है कि आप दोनों का ईगो क्लैश करता है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपके प्रति बनती है उतनी सामने वाले के प्रति भी बनती है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं पार्टनर के साथ और ये आपके साथ मैरिड हैं, या फिर आप दोनों का कनेक्शन मैरिज तक आप ले जाना चाहते हैं, तो पहला जो यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के प्रति है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति भी है। आप दोनों को बैलेंस करके चलना आपको मतलब आना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप ऐसा कहते हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम्हें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूंगा, तुम कुछ मत करो। इस पर्सन को इग्नोर फील होता है, ठीक है। ओके, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जैसे एक पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं कर तो रहा हूं तुम्हें क्या जरूरत है, ठीक है, तो एक दूसरा वाला जो पार्टनर उसको इग्नोर फील हो रहा है कि मैं कनेक्शन में कुछ हूं ही नहीं, ठीक है, उसको ये लगता है कि उसको भी इक्वली वो मिलना चाहिए कि हाँ ये तुम कर लो ये मैं कर लेता हूं। तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी यहां पर निकल कर आई है पहली। दूसरा, बार बार मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी को लेकर जिक्र होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर जिक्र होने का मतलब है कि कुछ डाउट की एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है, और इसी की वजह से आपके कनेक्शन में टावर आया हो सकता है। डाउट की एनर्जी क्या होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ट्रस्ट ना करने का मतलब है कि आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ डाउट बना रहता है कि ये कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ इनसिक्योरिटी आपको बनी रहती है इस व्यक्ति को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, वो भी बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, सबके लिए करता हो, तो ज्यादातर समय बिजी रहते हो ये पर्सन, ठीक है। इनका जो फोकस है वो इनके सक्सेस गोल पर बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ये ज्यादातर समय बिजी रहते हैं, आपके हो सकता है कॉल मैसेज का ज्यादा रिप्लाई ना करते हो, तो ये चीज नजर आती है कि इस वजह से एक पार्टनर है जो बहुत हर्ट होता है। और अगेन वही एनर्जी है कि कोई इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। या तो ये कंप्लेन करते हो आप इस पर्सन से, ठीक है, तो ये आपसे ऐसा कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, आप बहुत इमोशनल इंसान हो, ठीक है, आप बहुत इमोशनल इंसान हो, ऐसे जिंदगी नहीं चलती है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, कनेक्शन को कनेक्शन की तरह लो। ओके, यहाँ पर एक चीज और मिल रही है, मतलब एक मैसेज मिल रहा है रीडिंग में, जो आपका पार्टनर आपसे ये भी कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमेशा इनसिक्योर रहना बंद कर दो, ठीक है, कुछ ऐसा भी मैसेज कर मिल रहा है, ठीक है। देखिए, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है ये चीज आप अपने पर्सन से बोलते हो सकता है वो आपसे बोलते हो, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपसे जैसा भी रेजोनेट करे, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी होती है, मतलब हो सकता है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी हो ही ना, लेकिन फिर भी एक डाउट की एनर्जी हमेशा रहना, ठीक है, जैसे आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपका जो पर्सन है वो वास्तव में किसी और के साथ है, या फिर हो सकता है कि जिसको लेकर आप बहुत इनसिक्योर होते हैं वो आपका पार्टनर के साथ उनका कोई मतलब वैसा रिलेशनशिप हो ही ना, ठीक है, या फिर ये बहुत ज्यादा अपने करियर से प्यार करते हैं या फैमिली से प्यार करते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो जैसे आप इनसे कहते हो कि मेरा टाइम कहाँ है, या फिर ये आपसे कहते हैं कि मतलब ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो ये यहाँ पर आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा लॉजिकल रहो कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि हमेशा, यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हमेशा जरूरी है कि जताया जाए, ठीक है, हमेशा जरूरी है कि जताया जाए, दिखाया जाए कि मुझे मेरे अंदर कितना प्यार भरा हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है, जैसे फेमिनिन और मतलब यहाँ पर एनर्जी है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की, अगेन फेमिनिन एनर्जी को चीजें मतलब वो समझते कम है और उनको जताना ज्यादा पड़ता है, ठीक है, और मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ये इनको आप जताओगे कम लेकिन ये समझ बहुत जल्दी जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैस्कुलिन एनर्जी में जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, फेमिनिन एनर्जी के जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल लोगों को जितना आप जताएंगे कि देखो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपका बहुत आपके लिए करेंगे वो करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि फीमेल्स या जो लड़कियां उन्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि हम जनरली कहते हैं फीमेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो इनसे बहुत खुश होती है।
एंड मैस्कुलिन एनर्जी क्या है कि उनको समझ में आता है, वो आपकी आप उनको ज्यादा जताएंगे भी नहीं ना तो भी वो आपको पढ़ लेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा हो सकता है, या फिर आपके एक्शन से वो आपकी चीजों को नोटिस कर लेते हैं क्योंकि वो एक्शन ही ज्यादा लेते हैं. तो आपका जो पर्सन है वो ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जैसे अगर आप इरिटेट कर देते हो कभी इस पर्सन को, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जरूरत से ज्यादा मुझे ये मत कहा करो कि ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ, ठीक है, ज्यादा क्यों इतना ज्यादा जताना है, ठीक है, आपको दिखता नहीं है क्या, मतलब कुछ ऐसे भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं. ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स के मैसेजेस मुझे कैंडल वैक्स में मिले थे और वही मुझे अभी कार्ड्स भी ये वाइब दे रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो अगर अभी आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे ये सारे कारण हो सकते हैं, या फिर अभी वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं, या फिर अभी उन्होंने थोड़े दिन के लिए आपसे कट ऑफ कर लिया है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है. कुछ चीजें इस पर्सन को आपकी पसंद नहीं आ रही है. मैंने आपको रीडिंग में ये बात बोली थी कि कुछ बातें आपके पार्टनर को आप में अच्छी नहीं लग रही हैं इस वक्त में, ठीक है, या तो आप इनसे ये सारी चीजें करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे करने के लिए बोल रहे हो आप कर ना रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है. ओके, अल्फाबेट्स देखते हैं. KARXXTXNF6789. ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू गाइस.